जो आज आईसीएल की तरफ से मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि हमारी धरती का जो केयर है वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और जहां तक मुझे जान है, झारखंड ने, ये सरकार ने भी काफ़ी इस पर फोकस किया है कि हम अपनी ज़मीनों को और फर्टाइल करें और बेहतर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। और आज ग्रीन टीवी की टीम और आईसीएल इंडिया की टीम झारखंड के रांची में है और यहां हम किसानों की चौपाल लगा रहे हैं। इस चौपाल का मकसद है हमारे किसानों को पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी देना और आईसीएल इंडिया के बारे में जानकारी देना कि आईसीएल इंडिया क्या करती है, किसानों के लिए इनके पास कौन कौन सी तकनीक है इजराइल की, और कैसे जो है वो इन तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान कम लागत में ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर जो हमारे साथ आईसीएल इंडिया के बारे में बताने के लिए जो आए हैं वो सीनियर एग्रोनॉमिस्ट आईसीएल इंडिया से डॉक्टर एसपी सिंह सर हैं। सर, आपका स्वागत है इस चौपाल में। हमारे साथ है इनामुल हक जी, जो कि बिहार और झारखंड के आईसीएल इंडिया के रीजनल मैनेजर हैं। सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में, और मैं स्वागत करना चाहूँगी यहाँ बैठे सभी किसान भाइयों का कि आप लोग जो है वो यहाँ उपस्थित हुए। और ये जो कार्यक्रम होने वाला है, ये जो चौपाल होने वाला है, यहाँ पे जाने के बाद आप कई सारी जानकारी, नई नई जानकारी आप लेकर जाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी इनामुल जी को कि वो यहाँ आए और यहाँ किसानों को बताएं कि आईसीएल इंडिया झारखंड में किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं काम करने का, और किसान कैसे जुड़ सकते हैं आईसीएल इंडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि अभी मैडम ने आप सब लोगों को बताया कि आज इजराइल केमिकल्स लिमिटेड आईसीएल इंडिया आप सभी किसान भाइयों के समक्ष रांची में, नगरी में आई हुई है। मैं आप सब लोगों को इजराइल केमिकलों की तरफ से, इजराइल के तरफ से आज की इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि इजराइल एक ऐसी देश है जहां पे खेती के मामले में सबसे ज़्यादा उन्नतिशील है। अगर हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जिस तरह से मिट्टी है, हमारे यहाँ की जिस तरह से क्लाइमेट है, वातावरण है, अगर हमारे यहाँ के वातावरण को, मिट्टी को अगर कंपैरिजन किया जाए इजराइल के कंडीशन से, तो लगभग लबों से सेम है। अब देखने की बात यह है कि एक तरफ इजराइल जैसी देश में इतने सारे फलों का, फूलों का, सब्जियों का उपज इतने तादाद में होता है कि हम लोग, हमारे यहाँ से कृषि वैज्ञानिक विशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने हमारे यहाँ के बहुत सारे किसान बंधु भाइयों को इजराइल लेकर के गए दिखाने के लिए कि देखो ये व्यवस्था जो सेम हमारे यहाँ है और इजराइल में भी जो व्यवस्था है, इजराइल के लोग किस तरह से अपनी खेती के अंदर में उन्नतिशील हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, और वही व्यवस्था हमारे यहाँ भी है, फिर भी हम नहीं ले पा रहे। इन सब चीज़ को वहाँ के किसान लोग जब देख करके आए, इसराइल से जब वापस आए, तो हमारे यहाँ नगरी में कई हजारों किसान ऐसे हैं जो नई विधियों, नई तकनीक से खेती करना शुरू किए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जैसे कि मल्चिंग, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन। आशा करते हैं कि आज की आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल की तकनीक, इसराइल की टेक्नोलॉजी किस तरह से खेती के अंदर में लाभदायक है, किस तरह से किसान बंधु भाई अपने अपने फसलों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेकर के आएंगे, इनकी व्यवस्थाओं को हम लोग आपको बताएंगे। धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज जो ग्रीन टीवी की टीम और आईसीएल इंडिया की टीम जो यहाँ आई है, वो आपको आईसीएल इंडिया के बारे में बताने के लिए आए हैं कि आप लोगों के जो राज्य में है आईसीएल इंडिया काम करना शुरू कर रही है और किस तरीके से काम करेगी, कैसे आप लोग जुड़ सकते हैं, ये सारी जानकारी आज के कार्यक्रम में आपको मिलने वाला है। और अगर हम इजराइल की खेती में तकनीकों की बात करें तो वो हम सभी जानते हैं कि इजराइल जो है वो कई सारे नई नई तकनीक लेकर आई है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग जो है कम लागत में ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो अगला जो मैं निवेदन करना चाहूँगी, आईसीएल इंडिया के सीनियर एग्रोनॉमिस्ट है डॉक्टर एसपी सिंह सर, मैं चाहूँगी सर कि आप आके आईसीएल इंडिया के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दें हमारे किसानों को, और कैसे ये लोग जुड़ सकते हैं आईसीएल इंडिया से, इसके बारे में भी जानकारी दें। नगरी में आप सभी लोग, जितने भी किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का आईसीएल इंडिया की तरफ से तहे दिल से
मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जो मुद्दा आज हम लोगों को एक दूसरे के सामने रखना है वह यही है कि ICL क्या है। आप इज़राइल को शायद जानते हैं लेकिन ICL को उतना नहीं जानते हैं। ICL आज विश्व की एक जानी मानी 100 साल पुरानी कंपनी है और आज कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं होगा या जो भी कोई जगह ऐसी नहीं होगी इस प्लेनेट पे, धरती पे, जहां ICL नहीं है। और ICL जहां है वहां पर वह अपने फर्टिलाइज़र के दम पे जो किसानों को दे रही है, तो किसान जब उसको यूज़ करता है, जैसे अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बाद अगर आप में से कोई भी किसान भाई ICL के फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना स्टार्ट करेगा तब वह वास्तव में जान पाएगा कि इन फर्टिलाइज़र तो मैं पहले भी यूज़ करता था और अब जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ यूज़ करके ही पता किया जा सकता है और जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। हम आपके बीच में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स लेके आए हैं जो शायद आपके अब ज़रूरत है। और इनके जितने भी फर्टिलाइज़र्स जो इनके अपने ब्रांड में आते हैं वह सिर्फ ICL के पास ही हैं और विश्व में किसी के पास नहीं है। हम आपके सामने ये खाद आपको बता के जा रहे हैं क्योंकि आप सब्जी की खेती करते हैं और जितनी भी विश्व में वेजिटेबल्स हो रही हैं उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर अच्छी मात्रा में चाहिए, तभी पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और भरपूर आपको उपज देगा। ये एक नायाब खाद है जिसमें ये तीनों तत्व एक साथ हैं। आप बाज़ार में घूम लीजिएगा, आपको कोई भी ऐसी खाद नहीं मिलेगी जिसमें सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और साथ साथ में पोटेशियम एक साथ एक ही बैग में हो। इसको किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं गया है। पिछले 5 साल से ये खाद विश्व में धूम मचाई हुई है और हर किसान की पहली चॉइस है जब वो बाज़ार में जाता है। खेती कोई भी करता हो, चाहे वो धान लगाता है, वो सब्जी लगाता है, वो फल करता है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, तो वो पहले उसके दिमाग में जो खाद आती है वो पहली खाद क्या आती है? पॉली सल्फेट। क्यों? क्योंकि इसका जो पोषण प्रबंधन का जो खूबी है वह बाज़ार में और दूसरे किसी भी खाद का नहीं है। इसकी खूबी क्या है कि जब इसको हम ज़मीन में डाल देते हैं तो इसके जितने भी तत्व हैं ये धीरे धीरे पानी की जैसे सिर्फ ड्रिप की बूंद गिरेगी ना, उस पानी के साथ इसमें से भी धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे। तो ये जो खाद है इसका न्यूट्रिएंट जो तत्व होते हैं उनका रिलीज धीमे धीमे होता है और जब ये धीमे धीमे खाद रिलीज होती है तो पौधे की बढ़ती ज़रूरत के हिसाब से पौधे को वो न्यूट्रिएंट जो इसमें चारों न्यूट्रिएंट वो मिलते हैं। इसीलिए इसका जितना भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया हो या ट्रायल किया हो, हर उस ट्रायल में हमको इस खाद का बेहतर परिणाम देखने को मिला। और न केवल उपज बढ़ोतरी में, उसकी क्वालिटी में, हमें जहाँ भी इस खाद को यूज़ करेंगे हमें कभी भी इसमें डाउट नहीं है कि आपकी उपज नहीं बढ़ेगी। लेकिन आज मार्केट में उपज बढ़ा करके प्रॉफिट कमा लेना संभव नहीं है, हमें उसके साथ साथ में क्वालिटी भी चाहिए और ये क्वालिटी भी इस खाद के कारण आती है क्योंकि इसका जो सल्फर कैल्शियम जो है वो एक लगातार मिलता रहता है, इसके कारण जो क्रॉप की जो क्वालिटी है वो बढ़िया से बढ़िया बन के आती है। और इस खाद को आप अपनी जो भी फसल है इसको यूज़ कीजिए, कोई भी सब्जी लगाते हैं, टमाटर को अगर हम छोड़ दें एक बार, तो बाकी में आप 50 किलो प्रति एकड़ इसको यूज़ कीजिए, चाहे गोभी लगाते हैं, मटर लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, सब में आप इसको 50 किलो से 75 किलो प्रति एकड़ यूज कीजिए एक बार ज़मीन में, बुआई के समय पे या ट्रांसप्लांटिंग के समय पे,
या बैंड प्रिपरेशन के समय पे जब बैंड बनाते हैं कभी भी आप डाल दीजिए, इसके बेहतर परिणाम है। मैंने टमाटर में इसलिए कह रहा था, टमाटर में आपको इसको 100 किलो तक जाना पड़ेगा क्योंकि टमाटर की पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है प्रति एकड़, तो आपको इसको 100 से 125 किलो इसको यूज़ करना होगा। तो ये तो इसकी बात थी। अब एक बात, आपको अवस्था के हिसाब से अब समय आ रहा है खाद को यूज़ करने का। तो जो ज़मीन का जो माध्यम है खुली खेती का, उसमें आप कोई भी फसल करते हैं शुरुआत में फास्फोरस और नाइट्रोजन को विशेष जोर दीजिए, और जैसे जैसे फसल बढ़ती है तब आप पोटेशियम की तरफ थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। और इसके अलावा जब आप कोई दवाई का स्प्रे करते हैं, तो उसके साथ साथ में कुछ फोलियर न्यूट्रिशन की ग्रेड्स भी हैं, जैसे बताया गया था 52-34, 12-61, और ये इसके साथ साथ में आप ICL की कुछ यूनिक फार्मूले हैं न्यूट्रीवांट के, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपका वानस्पतिक अवस्था में दवाई छिड़कने का मन है और दवाई के साथ में कुछ तत्व देना चाहते हैं, तो उसमें आप एक स्टार्टर फार्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं, और जब आपका फ्रूट बन जाए उसके बाद का फार्मूला दूसरा है, और उसी बैलेंस फॉर्म में ICL बना के लेके आया है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो कि उस स्टेज पे उस मात्रा में अगर आप दे पाएँ तो वो आपकी फसल को और तंदुरुस्त और बढ़िया बनाते हैं। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ करके अपनी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। तो अभी इस चर्चा में मेरा बस आप लोगों से यही आग्रह है कि ICL के कुछ फर्टिलाइजर्स को आप यूज़ कीजिए। अगर आप खुली खेती कर रहे हैं तो आप पॉलीसल्फेट को अपने उस खेत में अपनाइए, आपके पास लिटरेचर उसमें डोज लिखी हुई है, और जो भी डीलर महोदय होंगे वहाँ से आप इसको लीजिए। और अगर फोलियर न्यूट्रिशन में आप जा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी खाद जो न्यूट्रीवांट नाम से बाज़ार में आपको मिलेगी ICL के डीलर पे, इसकी खूबी इतनी सी है कि आपका पानी का जो pH है या पानी का हार्डनेस वो ख़राब हो गया है। अगर आप गौर किए हों तो आप जब दवाई का छिड़काव करते हैं तो वो दवाई का असर भी आपको पहले से कम दिखने लगा होगा। तो आप लोगों के मन में भ्रम आता होगा कि ये शायद दवाई या तो नकली है या फिर अब काम नहीं कर रही है, अब दूसरी दवाई पे जाना चाहिए। लेकिन आपने वो माध्यम हमेशा ध्यान रखिए, चाहे ज़मीन में खाद दें, चाहे पानी में से खाद दें या दवाई दें, माध्यम क्या है, ज़मीन में ज़मीन माध्यम है, और जब फोलियर करते हैं आप पानी से कोई खाद देते हैं तो पानी माध्यम बनता है। इन दोनों का जो स्वभाव है, अम्लीय स्वभाव और क्षारीय स्वभाव, ये दोनों स्वभाव आपकी दवाई और आपकी खाद की उपयोगिता को पे फर्क डालता है। आपके पानी का अगर pH बढ़ रहा है तो आपकी जो दवाई का असर भी है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी दशा में आप ICL का एक फार्मूला है 0-49, ये न्यूट्रिएंट है दवाई नहीं है, इसको अगर अपने पानी के अंदर 5 ग्राम प्रति लीटर मिला लेंगे, यानी आधा किलो 100 लीटर में, 200 लीटर में 1 किलो अगर वो खाद मिला लेते हैं, तो हमारा जो अनुभव कहता है वो आपके पानी के pH को ऐसी जगह ले आएगा कि आप उसको अगर छिड़कते हैं तो उस न्यूट्रिएंट का असर ज़्यादा होगा, और अगर उसमें दवाई भी मिला के आप डालना चाहें तो उस दवाई का असर भी बेहतर हो जाएगा। और ये आपको पौधों के अंदर जो दवाई का छिड़काव है उसके असर को बढ़ाएगी, और इसके अंदर और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्प्रेडर, स्टिकर्स और बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी इसमें व्याप्त है, तो आपको अलग से कुछ चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको उसका असर आपके पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज की चर्चा में मैं यहीं पे अपने आप को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। तो हमारे बीच है आप लोगों के ही बीच से डॉक्टर अमित कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस
हॉर्टिकल्चर कॉलेज बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची से। तो यहाँ पे सब्जी बेल्ट है और सब्जियों की खेती ज़्यादा होती है, तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं भी होती होंगी। तो हमारे साथ डॉक्टर अमित जो है वो आपको बताएंगे कि सब्जियों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और उसका आप समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, प्लीज़ इसके बारे में बताएँ हमारे दर्शकों को। तो जो मुख्य सब्जी आप लोगों के खेतों में अभी है वो टमाटर है, जो कि फलन की अवस्था में है। बैंगन भी फलन की अवस्था में है, भिंडी भी है उसी अवस्था में, मिर्ची होगी, तरबूज होगा जो अभी फूल आ गए होंगे, फल लग रहे होंगे, कद्दू होगा, खीरा होगा, ये सारी सब मुख्य सब्जियां हैं। तो इनकी तीन तरह के जो समस्याएं हैं मुझे पता है, कुछ तो कीड़ों की समस्याएं हैं, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की समस्याएं हैं, कुछ है जो फल नहीं लगते हैं उसकी समस्याएं हैं, ठीक है। पहले जब अगर लता वर्गीय फसल की बात करें, जो कद्दू, खीरा, ककड़ी या फिर आप तरबूज लगाए हुए हैं, ठीक है, खरबूज है, तो इसकी जो मुख्य समस्या दिखती है कि ये एक बार जब फसल चल जाता है तो कुछ दिनों बाद इसमें सूखने की बीमारी होती है। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना, सूखता है फसल, लहलाता फसल अचानक सूखना स्टार्ट कर देता है और उसे हम बचा नहीं पाते, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से होता है, एक जीवाणु से होता है, ठीक है, और एक फफूंद से होता है, ठीक। जब जीवाणु की बात करते हैं तो जीवाणु के लिए क्या है कि थोड़ी सी नमी होनी चाहिए या बरसात का समय, ठीक है। लेकिन अभी जो मार्च अप्रैल का है तो यहाँ तो नमी का तो ठिकाना ही नहीं है, तो ये फफूंद की समस्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अभी जो सूख रहा है वो मुख्य रूप से फफूंद के कारण है। तो उसके लिए क्या करना है, तो चूंकि आप अब फसल लगा चुके हैं, फल आने लग गया है, तो जो नर्सरी में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो तो अब करना मुश्किल है। अब खरीफ फसल में मेरे पास कोई उपाय नहीं है बिना, मतलब फफूंदनाशी जो है, जो दवा के बिना हम उसको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो कद्दू वर्गीय है, जो आप खरबूज है, तरबूज है, तो वो सूखता है ना, तो इसके लिए 2 ml, ठीक है, प्रति 3 लीटर, या अगर आप टंकी की बात करते हैं तो 15 लीटर का टंकी होता है ना, ठीक है, तो 6 ml 7 ml जो है आप प्रति टंकी हेक्साकोंजन जोल मिक्स करके पौधों के जड़ों को नहलाना है। और अभी तो आप फसल लगा चुके हैं, विशेषकर जब आप खीरा कद्दू ये सब लगाते हैं तो लगाने में थोड़ा ध्यान रखें। क्या ध्यान देने की बात है, आप इसकी जो बीज की बुआई है फरवरी के 15 तारीख तक अवश्य कर दें। ऐसा नहीं करने से क्या होगा, जब आप 15 फरवरी के बाद मार्च में, ठीक है, जब आप लगाते हैं तो वो गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। गलत कह रहे हैं, गर्मी बढ़ना स्टार्ट करें, जैसे जैसे आप लगाएंगे आपको नर्सरी में ही पौधे 15 से 20 दिन और ले लेगा, और जब फूल आने की समय होगा तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब गर्मियों में इसे लेते हैं तो क्या देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नर फूल आने लगते हैं। नर और मादा अलग अलग फूल हैं, यहाँ पर गर्मियों में नर बहुत ज़्यादा है और मादा आएगी ही नहीं, तो फिर लहलाता फसल आपका कुछ नहीं दे पाएगा। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप समय पे बीज की बुवाई कर लें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जाड़े में भी लेते हैं कद्दू है, जो आप जाड़े में भी लेते हैं, जैसा छठ के समय में आपको मिलता है कद्दू, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि फूल जिस समय आ रहा हो तो जो जाड़े के समय में है ऐसा टेम्परेचर रहे कि मतलब वो 20 डिग्री 25 डिग्री से नीचे तापमान आपका नहीं गिरे,
यानी अक्टूबर नवंबर तक हार्डली आपको फल आ जाने चाहिए। अगर ये आप और आगे कर देंगे दिसंबर के समय में, तो फिर क्या होगा, गर्मी में नर ज़्यादा आते हैं, जाड़े में मादा ज़्यादा आती है, ठीक है। अब जब जाड़े में मादा आपको पूरा दिखेगा, ठीक है, कहेंगे कि फल तो बहुत लगेंगे, लेकिन फल नहीं लगने वाला, क्योंकि नर नहीं रहेगा तो फल कैसे आएगा। तो देखते हैं कि वो मादा जो फूल है वो सूख के गिर जाएगा। जो मुख्य समस्या है इसमें ये सूखने की है, तो ये इसके बाद कोई नहीं है। दूसरा चीज़ कि इसमें आपको तरीके से नमी बनाए रखना होगा। दूसरी बात, जो टमाटर की बात करते हैं, बैंगन की, बैंगन में भी आपको सूखने हैं। पहले फसल आपका लहलाता रहेगा, जैसे ही फूल आएगा सूखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी इसी फफूंद के कारण सूखता है, ठीक है। और जब ये बरसात का सीजन आए तब हम कह सकते हैं कि जीवाणु से भी हो सकता है, और ये फफूंद से तो होता भी है, ठीक है। तो उसके लिए दवाई अलग अलग है, हैं। तो इसके लिए भी आप हेक्साकोनाजोल आप डाल सकते हैं, जो सूखने की समस्या ब्रिंजल बैगन में है, ठीक है। एक चीज़ और है कि हम उपज भी चाहते हैं, ठीक है। तो उपज के लिए आपको फल का सही समय पे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक फूल एक फल को अगर हम सही से नहीं तोड़ेंगे तो दूसरा नहीं आने वाला। तो ये कुछ समस्याएं थी जो मेरे दिमाग में अभी आया और हमने आपको बताया। धन्यवाद सर। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगी इनामुल हक जी को कि आप आए और यहाँ बताएं कि कैसे आईसीएल इंडिया जो है वो इनकी खेती में मदद कर सकती है। मैं आज के इस सभा को आप लोगों को एक समराइज करके बताऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे इसराइल जो है, इसराइल केमिकल्स लिमिटेड, आप सब लोगों के बीच में क्यों आई है, इसका क्या कारण क्या है, रीजन क्या है। जैसा कि सर ने पहले भी आपको बताया कि हम लोग कुछ ऐसे खादों को लेकर के आए हैं, जो खाद पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ इसराइल केमिकल ही बनाती है, पहले बात। अब जैसा कि हमने आपको शुरू में ये बात कहा था कि इसराइल केमिकल, इसराइल की जो कंपनी है, जो इसराइल के अंदर में जिस तरह से खेती हो रही है, वहाँ पे के किसान किस तरह से विकसित है, अगर इस दोनों चीज को एक दूसरे से रिलेट किया जाए, एक दूसरे से तुलनात्मक किया जाए, तो पता ये चला कि इसराइल के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इसराइल के लोग ही नहीं, विश्व के और भी किसान लोग इसको यूज कर रहे हैं अपनी खेती में, और उससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ, हम लोग अपने खेती में डीएपी, यूरिया और पोटाश डालते हैं ना। उसके बाद जब हमारा थोड़ा सा पेड़ बढ़ जाता है तो कोई साहब ने बताया 0.54 डालते हैं, कोई साहब ने बताया 19 डालते हैं, या उसमें कोई कीड़ा लग जाता है तो कीटनाशक डालते हैं। ये हमारी एक पुरानी भी पद्धति है कि नहीं, इसको तो हम बरसों से करते आ रहे हैं। अगर कोई आदमी यहाँ बैठे जो 20 साल से खेती कर रहे हैं, वो भी 20 साल से यही काम कर रहे हैं, जो 25 साल से वो भी यही काम, 30 साल से वो भी यही काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जिस तरह से इसराइल के अंदर में किसान बंधु भाई जो है अपने नई तकनीक को इस्तेमाल करके और अपने खेती के अंदर से ज्यादा उपज ले रहे हैं, अपने वो प्रगतिशील हो रहे हैं, अपने जीवन को बदलाव ला रहे हैं, वहाँ तो वो कार्यक्रम चल ही रहा है, उस सारे कार्यक्रम को, उस सारे चीज़ों को, उस सारे खदानों को हम आज आपके समक्ष झारखंड में इस नगरी के जगह लेकर के आए हैं। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ कार्यक्रम को खत्म करते हैं और यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे साथ ग्रीन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी किसान जुड़े, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना समय दिया, और हम साथ में हमारे यहाँ एक्सपर्ट जितने भी मौजूद थे आईसीएल इंडिया से और यूनिवर्सिटी से, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी हम ये चौपाल लगाएं आईसीएल इंडिया के साथ पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी दे, तो भी आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
9532183 या फिर 9540300003। इसी के साथ अगर आप ICL इंडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप ICL के टोल फ्री नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं, जो है 1800-210-30-31। तो फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने ग्रीन चीनी का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, साथ ही में ग्रीन चीनी के Facebook पेज को लाइक और फॉलो करके Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन चीनी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।